डियर इस्टूडेंट्स टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसजन हाउ बिग डिजन आर टेकन ये जो ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन कोटा फॉर एस सी बी सी सोशली एजुकेशनली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रखा गया था तो उसका प्रोसेस जो था वो किस तरह से था वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ़ ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटीरियम ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन्स पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ तो इंडिया ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया संबोधित किया कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशंस ऑन सिक्स ऑफ अगस्त नाइनटीन नाइन्टी द यूनियन कैबिनेट टू के फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन और छः अगस्त को जो है छः अगस्त नाइन्टीन नाइन्टी को सिक्स अगस्त नाइन्टीन नाइन्टी को यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द recommendations of uh, mandal commission vp mandal Next day, prime minister vp singh uh, informed the parliament about the uh, decisions through a statement in both the house of parliament to mr vp singh though he was the then prime minister so they announced uh, that uh, uh, Decisions through a statement in both houses of parliament have been taken. The decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. In decision the cabinet in the year that was sent to provide the job seeker for the jobs. नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर बी पी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियमेंट अबाउट द डिसीज़न थ्रो ए स्टेटमेंट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाँ द डिसन ऑफ द कैबिनेट वाज़ सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग जो डिसीजन जो कैबिनेट ने लिया था उसे जो है डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग में भेजा गया द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट डाप्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने लेटर को, को किया कैबिनेट uh, डिसीजन के साथ जो था कि किस तरह से वो जो है मिनिस्टर अप्रूवल्स के लिए भेजा गया है ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ यूनियन गवर्नमेंट और एक जॉइंट सेक्रेटरी जो थे uh, They have put on put the sign on the orders, and this order number order was uh, office memoranda number uh, thirty six thousand twelve of like thirty one of ninety. It was uh, born in the year of the nineteen ninety. The date was thirteenth August. For the for next month uh, few months uh, दिस वॉज़ द मोस्ट होली डिबेटेड इशू इन दंट्री ये जो है अब ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था और लोग जो है हॉटली डिबेट कर रहे थे कि वेदर दिन इज गिविन टू द एस सी बी सी आर नाट बिकॉज इट हार्ट टू द फीलिंग ऑफ द ब्रदनेस डिटेड इशू इन द कंट्री न्यूज पेपर मैगजीज देव आर फुल ऑफ द डिफरेंट व्यूज एंड इमोशंस और ऑप्शन ऑन दिस इशू जो न्यूज़ पेपर मैगजीन थे वो अलग अलग विचारों से और ऑप्शन से भरे हुए थे इस मुद्दे पर वैदर द रिजर्वेशन गिविन टू द एस बी सी और नॉट समेवर ऑफ द फेवर ऑफ गिविंग डिसीजन इन वैसे नहीं आते इट इज टू दाइड एक्सप्रे प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट इसकी वजह से जो है क्योंकि जो न्यूज पेपर मैगजीन है जो अलग अलग व्यूज छापे गए और ओपिनियन छापे गए जिसकी वजह से चौतरफा प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट होने लगे समिच वर वायलेंट जिसमें देखो जो है हिंसात्मक हो गए पीपल्स रिएक्टेड थ्रो पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन थाउजेंड ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटी क्योंकि ये जो ऑर्डर था ये जो है हजारों लोगों की जॉब अपॉरचुनिटी को अफेक्टेड कर रहा था सम विंकिंग कुछ ये सोचते थे, थे कि दैट एग्जिस्टेंस ऑफ द इनइक्लिटी अमंग द पीपल्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटीज जॉब रिजर्वेशन कुछ लोग ये मानते थे कि जो पुराने समय से ही जो ऐसा मानता है उसका होना उसका होना जो है इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो जो है अफेक्ट करती हैं कुछ लोग ये सोचते थे कि जो इनिकलिटी समाज में है उसका जो वजूद है लोगों के बीच में अलग-अलग कास्टों के बीच में भारत में ये इसकी वजह से जॉब रिजेशन जो है वो एसेंशियल्स है दे फैल्ट वो ऐसा सोचते दिस वुड गिव ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटी हो सो फार हैड नॉट एडूकेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गर्मेंट एम्प्लॉयमेंट ये इस वजह से इसकी वजह से जो है फेयर अपॉर्चुनिटी जो थी जो अलग उन कम्युनिटी मिल रही थी जो लंबे समय से एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स अदर फैल्टैट दैट दिस वाज अनफेयर ए वर्ल्ड अनफेल्ट दिस अदरफेल्ट दिस वॉज अनफे एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी दूसरे लोग सोचते थे कि ये अनुचित है क्योंकि इससे जो अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है उसको मना किया जा रहा है तो उन लोगों के लिए जो वास्तव में इन कम्युनिटीज में कम्यूनिटीज को बिलोंग नहीं करते दे वुड भी डिन नाइड जॉब्स उनको जॉब के लिए मैंने कराया इवन दो दे बी मोर क्वालिफाइड यहाँ तक कि जो मोर क्वालिफाइड है सम फेल्ट दैट दिस वुड परपिचिएट कास्ट फीलिंग्स और कुछ लोग ये मानते थे कि ये जो है कास्ट फीलिंग को और क्रिएट करेगा अलग अमदा पीपुल्स एंड इट विल हेम्पर्स द नेशनल यूनिटी नेशनल यूनिटी इफेक्ट करेगा उस पर चोट पहुँचाएगा इस चैप्टर्स में वी वुड नॉट डिस्कस वेदर द डिसीजन्स वॉज गुड और नॉट हम इस चैप्टर में हम ये नहीं देखेंगे कि द डिसन दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट इज व गुड वन एंड नॉट गुड वी ऑनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर्स डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री इसमें हम ये केवल यही समझेंगे कि किस तरह से बड़े डिसीजन जो हैं वो लिए जाते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट कहते और इफ देर इज एनी डिस्प्यूट अमंग द ऑन द मैटर ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द डिसजन्स हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल ऑल द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द गमेंट्स डिसीजंस तो ये आपको पहले ही पता है कि जो आ, हाई, हाई, हाई कोर्ट हाई कोर्ट कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती हैं वही डिसाइड करती हैं कि हु इज रॉन्ग एंड हु करेक्ट वन तो ये जो है सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज टू दिस ऑर्डर्स कुछ लोगों ने और कुछ संगठनों ने, ने इसका विरोध किया और नंबर ऑफ नंबर ऑफ केसेस वर फाइल्ड इन द कोर्ट दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड उन्होंने लोगों कोर्ट से अपील की कि वो ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकें द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑल द ऑल दीज केसेस टुगेदर्स द केस वोन एज दानी एंड अदर्स वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया केस इलेवन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हार्ट एंड हार्ट आर्गूमेंट्स ऑफ बोथ साइड सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है दोनों तरफ के व्यूज को सुना साइड को सुना बाई ए बाई ए मेजोरिटी इन सुप्रीम कोर्ट इट सुप्रीम कोर्ट जजेज इन नाइनटीन नाइनटी टू डिक्लेयर दैट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड ठहराया एट द सेम टाइम्स उसी समय द सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इन मॉडिफाई इन

एज़ पर द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग इशूड एनदर ऑफिस मेमोरेंडम दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम चला इशू uh, करा गया आठ सितंबर से नाइन्टीन नाइन्टी थ्री कोम टू एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस दैन और तब से ये पॉलिसी चल रही है और डिस्प्यूट को जो है एक तरह से रोक दिया गया उसे जो है रोक दिया गया